बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक होंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और ऑनलाइन क्लास से खूब फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे लेक्चर्स को जो सेंड करना है वो आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करने का सबब बन रहा है। सो आप तमाम लोग इन ऑनलाइन क्लासेस को बखूब पढ़ रहे होंगे और इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। तो मैं ऑनलाइन क्लास में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फीचर्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की खसूसियात क्या हैं, डेटाबेस के खद्दो खाल क्या हैं, तो इसमें 8 पॉइंट्स जो हमारी इस बुक में सफ़ा नंबर 24 के ऊपर दिए गए हैं उनमें से कुछ आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा। तो सबसे पहले आज जो डेटाबेस के खद्दोखाल में से, डेटाबेस के फीचर्स में से पहला पॉइंट जो है वो है एंटिटी, दूसरा पॉइंट एट्रीब्यूट, तीसरा पॉइंट फील्ड्स, चौथा पॉइंट रिकॉर्ड और पांचवा है ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और इसके बाद है ट्यूपल्स। इंशाल्लाह आज हम ट्यूपल्स तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह कीज़ के बारे में, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के बारे में और वाइल्ड कार्ड का टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंटिटी क्या है। एंटिटी हर वो चीज़ जो प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स की आमल होती है वो एंटिटी कहलाती है। एंटिटी बेसिकली हर उस चीज़ को कहा जाता है जो प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल हो, एंटिटी कहलाती है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको समझाने के लिए ये देता हूँ कि स्टूडेंट एक एंटिटी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स क्या हैं? नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट्स का एड्रेस, स्टूडेंट्स की क्लास, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट्स का फादर नेम, स्टूडेंट की फ़ीस, इस तरह की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स होती हैं वो किसी न किसी एंटिटी से मुतालिका होती हैं। हम वो हर चीज़ जो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ पर मुश्तमिल हो उसको हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटी टीचर भी एक एंटिटी है, बुक भी एक एंटिटी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बुक एंटिटी के बारे में बताया है कि बुक का नाम है, बुक की प्राइस है, बुक का पब्लिशर है, बुक का ऑथर नेम है, इस तरह की बुक की आईडी है, बुक की प्राइस है, इस तरह की बहुत सारी जो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ जिसका ताल्लुक एंटिटी बुक के साथ बनता है वो उसके तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं और ये एंटिटी कहलाती है। टीचर भी एक एंटिटी है, जैसे टीचर का नाम है, टीचर का आईडी है, टीचर की स्केल है, टीचर की सैलरी है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक टीचर एंटिटी से बनता है। तो ये टीचर की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं,
वो उसको एंटिटी बना देती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंटिटी टॉपिक की समझ आ गई होगी, और इसके बाद एट्रीब्यूट क्या होते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर वाले टॉपिक में जो पीछे हमने एंटिटी पढ़ा था उसमें बताया था कि एंटिटी हर उस चीज़ को कहते हैं जो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज पर मुश्तमिल होती है। तो एट्रीब्यूट जो है वो स्टूडेंट का नाम एट्रीब्यूट है, टीचर का नाम एट्रीब्यूट है, कोर्स का नाम एट्रीब्यूट है, पता एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का रोल नंबर एट्रीब्यूट है, मुलाजिम का आइडेंटिफिकेशन नंबर एट्रीब्यूट है, इस तरह शनाख्ती कार्ड का नंबर जो हर शहरी की पहचान होती है ये भी एट्रीब्यूट है। मैंने इसकी बहुत सारी मिसालें आपको देकर ये बात समझा दी है कि एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी एंटिटी के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको बोलते हैं, उसको कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स नेम, रोल नंबर, क्लास, फीस, एड्रेस, इस तरह की वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक स्टूडेंट एंटिटी से बनता है, ये तमाम उसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में फील्ड टेबल में जब डाटा को हम रोज और कॉलम्स की सूरत में रखते हैं तो कॉलम्स की सूरत में जो डाटा का अंदराज करना है वो फील्ड कहलाता है। ये बात दोबारा सुन लें कि फील्ड्स कॉलम की सूरत में रखे हुए डाटा को फील्ड कहते हैं। मसलन नेम और उसके खाने में तमाम खाने में जो हम डाटा रखेंगे, जैसा कि सामने आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि नेम अकबर अली, जाहद जमील, नासिर हुसैन, इसी तरह रोल नंबर के फील्ड में कॉलम में 1, 2, 3, इसी तरह एड्रेस के फील्ड में फैसलाबाद और कराची लिखा हुआ आपको इस सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। इसमें 3 फील्ड्स का टेबल बनाया गया है और 3 ही इसमें मुख्तलिफ डाटा का इंदराज भी किया गया है। तो नेम के फील्ड में कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ नेम का ही अंदराज करेंगे, रोल नंबर के फील्ड में सिर्फ रोल नंबर्स का ही अंदराज करेंगे, एड्रेस के फील्ड में ही हम सिर्फ और सिर्फ एड्रेसेस का अंदराज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको फील्ड की समझ आ गई होगी। फील्ड कॉलम को कहा जाता है, कॉलम में रखे हुए डाटा को कहा जाता है फील्ड्स, और रोल नंबर के फील्ड्स में हम सिर्फ सिर्फ रोल नंबर का ही इंदराज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिक फील्ड। यूनिक के मतलब होते हैं मुख्तलिफ के, और फील्ड कॉलम को कहा गया है। हमें टेबल के अंदर एक ऐसा फील्ड रखना है जो दूसरे रिकॉर्ड से उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी शनाख्त कर सके। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का नाम वो सेम हो सकता है, एड्रेस सेम हो सकते हैं। मसलन जैसे अकबर अली बुंगाहयात से आता है, अकबर अली दूसरा बच्चा वो गार्डन डाउन से आता है, तो ये दो नाम सेम हो सकते हैं। एड्रेस मसलन एक घर से दो कज़न आते हैं तो एड्रेसेस भी सेम हो सकते हैं, लेकिन हमें टेबल के अंदर एक ऐसा फील्ड बनाना, एक ऐसा कॉलम बनाना ज़रूरी है जो इन रिकॉर्ड्स की, इस तरह के ऐसे रिकॉर्ड्स की जो मैंने अभी पीछे बताए हैं उनकी शनाख्त करना आसान कर दे। इसमें ये जो टेबल आपको यहाँ पर स्क्रीन में नज़र आ रहा है तो इसमें रोल नंबर एक ऐसा फील्ड है जो हर दफ़ा हर रिकॉर्ड कॉलम के अंदर, हर सेल के अंदर मुख्तलिफ ही इसका इंदराज होगा।
एक रोल नंबर दो स्टूडेंट्स को अलॉट नहीं किया जा सकेगा या सेम रोल नंबर मल्टीपल लोगों को नहीं दिया जा सकेगा। तो जैसा कि शनाख्ती कार्ड का नंबर भी इसी तरह हर बंदे को यूनिक ही मिलता है, हर पाकिस्तानी को यूनिक डिफरेंट मुख्तलिफ मिलता है, जिससे उनकी शनाख्त आसान हो जाती है। डाटा को तलाश करना और डाटा को टेबल्स के अंदर रखना आसान होता है। तो नेक्स्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिक फील्ड की भी समझ आ गई होगी। इसी तरह टीचर के टेबल में जो यूनिक फील्ड बनता है वो टीचर आईडी बन जाएगा। पूरे पंजाब के अंदर जितने भी कॉमर्स के कॉलेजेस हैं उनके जितने भी आईडीज हैं वो हर एक के मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हर मुलाजिम का बेल्ट नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, उससे उस बंदे की, उस मुलाजिम की शनाख्त आसान हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड एक पूरी कंप्लीट कतार को बोला जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि अकबर अली उसका रोल नंबर 1, उसका एड्रेस फैसलाबाद, ये क्या है, एक कतार में रिलेटेड डाटा जो रखा गया है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। हर वो कतार जिसमें डाटा को, रिलेटेड डाटा को रखा गया है किसी भी एक एंटिटी से मतलब, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दो नज़र आ रहे हैं जो कि सामने तस्वीर पर, और मैं माउस की मदद से आपको इंडिकेट करता हुआ नज़र आ समझा रहा हूँ कि यहाँ पर दो रिकॉर्ड हैं, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2। ट्यूपल्स क्या होते हैं? ट्यूपल्स भी हम डेटाबेस में रिकॉर्ड या कितारों को ट्यूपल्स कहा जाता है। अब इसकी ट्यूपल्स की थोड़ी सी आसान लफ्ज़ों में, रिकॉर्ड और ट्यूपल्स में थोड़ा सा फ़र्क है। रिकॉर्ड किसी एक टेबल के अंदर रखे हुए कितार की सूरत में डेटा को हम रिकॉर्ड कहते हैं, और इसी तरह अगर मुख्तलिफ टेबल्स बने हुए हैं डेटाबेस के अंदर, इसकी आसान सी मिसाल देकर मैं आपको बात इस तरह समझाऊंगा कि लाइब्रेरी बुक्स का एक टेबल है, स्टूडेंट्स का एक टेबल है। तो स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, उसका रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में आ गया, और अब वो लाइब्रेरी से जब बुक्स इशू कराएगा तो वहाँ पर भी उसका रिकॉर्ड बुक इश्यूएंस के हवाले से बुक टेबल में रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो स्टूडेंट टेबल में और लाइब्रेरी बुक्स के टेबल में जो पड़ा हुआ है, पूरा रिकॉर्ड जो है उसको हम जो कितार की सूरत में होगा, जो मुख्तलिफ कितारों की सूरत में होगा, उसको हम ट्यूपल्स कहते हैं। अब ट्यूपल्स की भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। पूरे डेटाबेस के अंदर एक पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड जो मुख्तलिफ टेबल में स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे टीचर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी एंटिटी से रिलेटेड हो, जो मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर रखा जाता है, वो सर उन रिकॉर्ड्स को जो मल्टीपल टेबल्स में मौजूद हैं उनको ट्यूपल्स कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे बुक से, और मेरे इस लेक्चर को व्हाट्सएप पे भी सुनेंगे, और मैंने यूट्यूब चैनल पे भी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पे भी इसको अपलोड कर देता हूँ साथ ही, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।
खुदा हाफिज़।